आज की ये वीडियो फार्मडी प्रोग्राम से रिलेटेड है। आप सबको पता ही होगा कि फार्मडी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को कहते हैं। ये प्री मेडिकल के बाद की फील्ड है और काफ़ी अच्छी फील्ड है। इसमें आप 5 साल जो है मेडिसिंस को पढ़ते हैं, इसके बाद आप या तो मेडिसिंस बनाते हैं या फिर आप मेडिसिंस प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फार्मडी की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची में और सिंध में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी, और उनका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कराची की अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसमें पहली है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जिसमें पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है 54,500। मॉर्निंग प्रोग्राम की अगर आप इवनिंग प्रोग्राम में लेते हैं तो 90,500 बनेगा। इसके बाद है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको हम फॉस्ट भी कहते हैं, फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस है 44,500 रुपीज़। और एडमिशन के वक्त यानी कि पहले सेमेस्टर में आपको जमा करानी होगी 61,500 रुपीज़, और फिर सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड आपकी 44,000 हो जाएगी। थर्ड यूनिवर्सिटी है बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, लियारी में मौजूद है ये, इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस है 50,000 रुपीज़। अच्छा, जितने भी फ़ीस स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रही हूँ ये सब पर सेमेस्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि साल में आपको 2 दफ़ा जमा कराने होंगे। इसके अलावा डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, इसकी फ़ीस है 1,40,000 रुपीज़। फिर है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम JSMU भी कहते हैं, इसकी है 1,66,500 रुपीज़। फिर कराची के प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर, तो पहली है बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस है 1,15,000 रुपीज़। ये सब भी पर सेमेस्टर्स हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी की है 99,000, इकरा यूनिवर्सिटी की है 81,000, जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ये ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसकी है 1,00,000 रुपीज़। फिर है सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, ये बैरट हॉगजन यूनिवर्सिटी के अंडर है। बैरट हॉगजन आपकी एक फार्मेसी की कंपनी है और इन्हीं की यूनिवर्सिटी भी है, तो अगर आप इससे करेंगे फार्मडी तो इसकी वैल्यू खुद बहुत ज़्यादा होगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपको उसी फार्मेसी कंपनी में भी जॉब मिल सकती हैं। ठीक है, इसकी है 1,40,000 रुपीज़। फिर है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, इसकी है 1,67,000। जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जिसको हम JMDC भी कहते हैं, इसकी है 1,40,000 रुपीज़। फिर सिंध में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका देख लेते हैं। इसमें मैंने कंबाइन करके लिखी हुई है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और आगे यहाँ मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इनकी फ़ीस भी पर सेमेस्टर होगी। पहली है लम्स यूनिवर्सिटी, यानी कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हैंड साइंसेज, ये जामशोरों में है, इसकी है 1,45,000, ये गवर्नमेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, इसकी है 31,000 रुपीज़, ये भी गवर्नमेंट है। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में मौजूद है, इसकी 57,800, ये भी गवर्नमेंट है। SMBBMC लाड़काना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज है, इसकी 45,000 रुपीज़ है पर सेमेस्टर, ये भी गवर्नमेंट है। पम्स फॉर वुमेन नवाबशाह, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, और ये भी ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी है, इसकी 45,000 पर सेमेस्टर, ये भी गवर्नमेंट है। फिर है इंडस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज के अंडर है, टंडन मोहम्मद खान में मौजूद है, इसकी 1,35,000 रुपीज़, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सिंध में हमारे पास बस इतनी यूनिवर्सिटी हैं जो कि फार्मडी का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।